हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका सिंह परिहार अन्नपूर्णास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी बड़े की रेसिपी, बड़ा पाव, जो कि हम बाहर मार्केट में खाते हैं और बहुत ही स्पाइसी होता है। तो बड़े भी हमारे क्रिस्पी हैं और रेड चटनी भी हमने इसमें ऐड की है अपने वीडियो में, उसका भी वीडियो है। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट लग रहा है हमारा बड़ा पाव, हरी चटनी, लाल चटनी, जो हमारा मसाला है सूखा वाला ड्राई मसाला, उसको आप चटनी भी बोल सकते हैं, ये देखिए। और बड़े भी हमारे क्रिस्पी हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, बहुत स्पाइसी हैं। वीडियो फुल वॉच कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बेसन हम 2 कप ले लेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ले लेंगे, हल्दी और रेड चिली पाउडर मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपना बैटर तैयार करना है हमको। तो आप देख सकते हैं हम अपना बैटर तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे हम, ये देखिए। तो इस तरीके से हमको बैटर तैयार कर लेना है और बैटर तैयार करके हमें इसे साइड में रख देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे स्टफिंग की, हमारे भरते की रेसिपी। धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का टुकड़ा, सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मसाले में डालेंगे हम। ड्राई अच्छा सा पीस लेंगे बॉयल आलू। कढ़ाई में तेल डालेंगे हम, तेल को गर्म होने देंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता तोड़ के डालेंगे, एक अच्छा फ्लेवर आता है। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। जो मसाला तैयार किया था उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे, उनको अच्छे से भूनेंगे। सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट डालना है हमको, और रेड चिली पाउडर डालेंगे, क्योंकि बड़ा हमारा थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए ना, तभी तो खाने में मज़ा आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉइल पोटैटो कद्दूकस करके डालेंगे तो अच्छे से मिक्स होते हैं, उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए, हमने बॉइल पोटैटो कद्दूकस कर लिया था, फिर ऐड किया और अच्छे से मसाला मिक्स कर रहे हैं। तो मसाला मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भूंज लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं, चलिए इसे हम थाली में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई को वॉश करके फिर से तेल गरम करने रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें फ्राई करना है। और जो रेड चटनी हम तैयार करेंगे उसके लिए एक इसमें से हम अपने कुछ छोटे छोटे सेब निकाल लेंगे। तो ऑयल अच्छे से गरम कर लेंगे और बैटर जो तैयार किया था तो हाथ से ही हम, या चम्मच से भी आप निकाल सकते हैं, पर हाथ से अच्छे से पतले पतले निकल आते हैं सेब। तो उनको निकाल के हम हाई मीडियम फ्लेम पे उनको अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इनको हमने हाई मीडियम फ्लेम रखी है अपनी गैस की, क्योंकि इसमें ऑयल अच्छे से गर्म चाहिए। और इसको हम पलटेंगे, उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक, देखिए निकाल लिया है और काफ़ी क्रिस्पी भी ये बने हुए हैं। तो चलिए, निकाल लिया है हमने प्लेट में और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कितना क्रिस्पी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो एक बार फिर से हम ये प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा से चाहिए। अपनी फिंगर की मदद से हम सेब निकाल लेंगे कढ़ाई में, और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। गर्म गर्म हम नहीं पीस सकते, क्योंकि हमारा जो हम चटनी बनाएंगे वो गीली हो जाएगी और वो हमको ड्राई मसाला चाहिए। तो ये हमने आलू के जो भरता बनाया था उसके गोल गोल बॉल्स बना लिए हैं। बेसन में डिप करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे, उसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम इसको फ्राई होने देंगे। इन्हें भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो जब ये गोल्डन ब्राउन होते तो बड़े क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बड़े टेस्टी भी लगते हैं। तो ये देखिए, हमारे बड़े बन के तैयार हो गए हैं। पलट देंगे इनको एक बार। भाई ये पलटने को तैयार ही नहीं हो रहा है, देखिए बड़ा टाइम लगा रहा है। तो चलिए, बड़े हमारे पलट गए हैं और इनको गोल्डन ब्राउन करके हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। तो बड़े तैयार। तो चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं इन्हें। उलट पुलट करते रहिए, उलट पुलट करने से ये अच्छे से सिक फ्राई हो जाते हैं। और अब बड़े प्लेट में निकाल लिए हैं। खाने का मन कर रहा है ना, गरम गरम कढ़ाई में से निकले हैं, बारिश का मौसम है,
और ये ना बने घर में तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, अब फिर से हम बड़े डाल देंगे इसमें अपनी कढ़ाई में। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इन्हें हम। तो आप देखिए इस तरीके से बड़े तैयार हो गए, हमारे खाने का मन कर रहा है ना। तो चलिए, जो हमारा ड्राई मसाला है, रेड चटनी कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसको तैयार करते हैं। जार में मूंगफली ले लेंगे, जो बेसन के हमने सेब बनाए थे वो डाल लेते हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, लहसुन इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, रेड चिली पाउडर जो कि वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है, सॉल्ट डालेंगे और फिर अब हम इसे पीस लेंगे क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी होता है। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं, और दरदरा भी है, गीला भी नहीं हुआ है, तो तैयार। अब चलिए बड़ा पाव तैयार करें। तो बड़े मैंने पाव ले लिए हैं, पाव में कट लगाएंगे, तो हरी चटनी लगाएंगे, ये भी स्पाइसी है। हाँ, मैंने इसमें मिर्ची डाली थी हरी वाली, जो ड्राई मसाला था वो भी हम डालेंगे, बड़ा रखेंगे, फ्राई हरी मिर्ची रखेंगे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है बड़े पाव के साथ में। फिर से हम चटनी लगाएंगे, दूसरे पाव में रेड मसाला डालेंगे, जो ड्राई मसाला था हमारा, पाव बड़ा रखेंगे और चटनी रखेंगे, हरी मिर्ची डाल रखी है मैंने। तो आप देख सकते तैयार है ना। तो फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके मुझे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और बड़ा भी बहुत स्वादिष्ट बना है, तो आप लोग बारिश के मौसम में खाइए, घर में बनाइए और खिलाइए सबको, बड़ा मज़ा आता है बड़ा पाव खाने में बारिश में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, बाय।